आप अपनी परेशानी मुझे बताओ तो मैं हाई कमांड से बात करके आपकी परेशानी दूर करूंगा। हर रोज सवेरे 10 बजे से शाम के 5 बजे तक क्लास में बैठ के बोर होते हैं, उसके बारे में कुछ करिए। ओके दोस्त, 10 बजे से 11 बजे तक एक घंटा ही बैठो। थैंक यू मेरे दोस्त। गर्ल्स हॉस्टल्स और बॉयज हॉस्टल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है दोस्तों। दोनों एक ही कंपाउंड में लगवाते हैं ना, मजा आएगा। बॉयज हॉस्टल का खाना खा के उल्टी हो रही है। आपके लिए एक जैसे खाने का बंदोबस्त करता हूँ। आज नई फिल्म रिलीज हुई है, हॉलीडे डिक्लेयर किया तो अच्छा रहेगा दोस्तों। सुनो दोस्तों, अपने कॉलेज की लाइब्रेरी का फैन खराब पड़ा है, इसलिए आज से हम स्ट्राइक करेंगे। लेकिन अपने कॉलेज में लेबोरेटरी है ही नहीं। वही दोस्तों, मैं भी पूछ रहा हूँ। अरे अपने कॉलेज की लेबोरेटरी कहाँ है? कॉलेज चलाने वालों ने गायब कर दिया है, इसलिए वो लोग हमारी लेबोरेटरी वापस नहीं कर देते तब तक हमें स्ट्राइक करना होगा। स्टूडेंट यूनियन, एक दो बार नारा लगाने बोला। स्टूडेंट यूनियन, स्टूडेंट यूनियन। रुक जाओ, आखिर तुम लोग स्ट्राइक क्यों कर रहे हो? देखो दोस्त, हमारे स्टूडेंट चेयरमैन नागराज जी ने हमारे कॉलेज की लेबोरेटरी गायब कर दी है, ये बात मैं बताना चाहता हूँ। क्या कहा? हमारे कॉलेज की लेबोरेटरी गायब हो गई है? या हम लोग कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं? लॉ कॉलेज में। लॉ कॉलेज में लेबोरेटरी होती है क्या? दोस्तों, अपोजिशन कैंडिडेट नागराज जी ने मेरी बहुत बेइज्जती की है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। चल सटक ले। ए, इसे तो कोई काम नहीं है, तुम्हारे पास भी कोई काम नहीं है क्या? चलो जाओ। अरे रुकिए दोस्तों, रुकिए, मेरे अपोजिशन कैंडिडेट नागराज जी मुझसे जलते हैं। मैं कल MLA बनके, MP बनके, फिर CM बनके प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, इसलिए मैं कल तक के लिए सभा बर्खास्त करता हूँ। ठीक है, कहाँ से आ गया पता नहीं यार तू। और आज मैं आप लोगों का IQ टेस्ट करने वाला हूँ। एक्सक्यूज मी सर। यस, मे आई कम इन? कम इन। ओके, कम टू द पॉइंट। मेन पॉइंट तो यहाँ है, बाकी के पॉइंट का क्या करना है सर? साइलेंस। भाई तू डेली कॉलेज क्यों आता है रे? टाइम पास करने। और तू रे? लड़कियों को लाइन मारने वालों को देखना। एक बार वहाँ देख। हे, तुम एकदम ऐश्वर्या राय जैसी लगती Thank हो। you. ऐश्वर्या राय मुझे बहुत पसंद है। You look like सलमान खान। Thanks. But I don't like सलमान खान। जाने दो ना यार, सलमान खान तो बोली ना मेरे को। अच्छा, कवर कर रहा है। वो क्या रे, किताबी कीड़ा बन गया क्या? तेरी तरह सलमान नहीं है ना। ए, उस बुक को बंद कर और लाइफ एंजॉय करना सीख ले यार। देख रे, पढ़ाई के समय पढ़ाई और एंजॉय के समय एंजॉय करना चाहिए। यही पढ़ने के समय एंजॉय किया ना, तो एंजॉय के समय पढ़ाई करनी पड़ेगी। एक शब्द भी नहीं समझा। अरे इतना मत पढ़ो, बाद में चश्मा लग गया तो लड़कियां देखेंगी भी नहीं यार। यही अच्छा रहेगा। सुनो, जोरदार बहने वाली नदी में उस चमकती मछली को देखकर तुझे कैसा लगता है? भून कर खाने का मन कर रहा है। मंदा भाई, मंदा भाई, मंदा भाई। योर ऑनर, समाज सेवा करने वाली मेरी क्लाइंट को जिस्म बेचने वाली कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और इसका कोई ठोस सबूत भी नहीं है, इसलिए कुमारी मंदाबाई को बाइज्जत बरी करने की कोर्ट से अपील करता हूँ। ये आरोप है कि मंदाबाई कोठा चलाती है जिसका कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया, इसलिए उन पर लगाए गए आरोपों को कोर्ट खारिज करती है। थैंक यू जी, आपका खर्चा उतार दूं। सर, सर मेरे बेटे ने आपसे ये बुक लाने के लिए कहा था, अगर आपने दिया तो सोमवार को लाकर लौटा दूंगा आपको। कृष्णमूर्ति, तुम्हारी दो बेटियां हैं, अपने बेटे को BA पास होते ही अगर किसी नौकरी पर लगा देते तो वो भी कुछ ना कुछ कमा लेता। तुम इतनी मेहनत करके, खर्चा करके उसे लॉ पढ़ा रहे हो, आज कुछ लॉयर्स के पास काम है तो कुछ लॉयर्स के पास काम नहीं है। वो लॉयर बनकर सिर्फ NOC सर्टिफिकेट बनाएगा और 100-200 रुपए कमाएगा, तुम उसकी लाइफ वेस्ट कर रहे हो कृष्णमूर्ति। सर, कोर्ट में अगर एक तरफ आंखों पर पट्टी बंधी न्याय की मूर्ति है तो दूसरी तरफ इंसाफ की छड़ी पकड़कर मैं खड़ा हूँ। सर, अपने कोर्ट से कई गुनाहगार बाइज्जत बरी हो गए तो कई बेगुनाह सजा भुगत रहे हैं। इन सब की वजह है केस लड़ने वाले वकीलों की बेईमानी। मेरा बेटा पैसा कमाए इसलिए मैं उसे लॉ नहीं पढ़ा रहा हूँ। सर, मैं उसे लॉ इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो इंसाफ को बचा सके, वो इंसानियत की रक्षा कर सके। सर,
अन्नपूर्णा, नागराज आया क्या? अभी नहीं आया जी। ये लो, उसके लिए कपड़े लाया हूँ, अंदर रख दो। बेटे के लिए कपड़े लाने को कहा तो बेटे के लिए लाया क्यों जी? वो कॉलेज जाने वाला लड़का है। लड़के की पढ़ाई जितनी जरूरी है, लड़की की शादी भी उतनी ही जरूरी है। बेटे की सगाई नजदीक आ रही है, भूल गए क्या? अपना बेटा जहाँ पढ़ रहा है वो लॉ कॉलेज है, वहाँ के बाकी सारे लड़के अच्छे कपड़े पहन कर आए, और वो प्यून का बेटा है इसलिए ऐसे कपड़े नहीं पहन सकता, ये उसके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। अम्मा, सगाई के दिन मुझे वैसे भी नई साड़ी मिलने वाली है ना, उससे मेरा काम हो जाएगा। बहुत अच्छा है, तुम भी पापा को ही सपोर्ट कर रही हो। वो आ गया, उसके सामने कुछ मत कहना। भैया, पापा तुम्हारे लिए कपड़े लाए हैं। कपड़े तो तुम्हारे लिए आने चाहिए थे, मेरे लिए क्यों लेकर आए? क्यों? मेरी शादी के दिन नए कपड़े नहीं पहनोगे? अरे ये क्या सफेद पैंट और काला कोट ले आए, ये तो लायर की ड्रेस है। क्या पापा, अभी तो मैं लॉ पढ़ रहा हूँ। मैं तुम्हें वकील के रूप में देखना चाहता हूँ, एक बार पहन करो, जाओ पहन करो जाओ। ये पट्टी कैसी? कुछ नहीं डैडी, कॉलेज में पहला दिन है ना, लड़के जरूर रैगिंग करेंगे, पैर में पट्टी बांध के जाऊंगी तो सिंपैथी से छोड़ तो देंगे। वेरी गुड, कैरी ऑन। सर कैसेट तैयार है। हाँ, ये कैसेट ले जाकर के चैनल में दे दो, आज ही टेलीकास्ट होने हैं। ओके जी सर। इनका नखरा तो इतना बढ़ गया कि इनको रिस्पांसिबिलिटी का पता भी नहीं है। नाक मुंह कान सब टेढ़े हैं, फिर भी अपने आप को ऐश्वर्या राय समझती हैं। हे, सपनों की रानी आ गई। आशा, निराशा। परीक्षा लेता है, आंखें चेहरा बहुत खूबसूरत है, लेकिन पाँव सही नहीं है। बेचारी लड़की डिस्कोथेक में कैसे जाएगी, डांस कैसे करेगी, योगा कर सकती है क्या? बेचारी किसी काम की नहीं, ऐसी लड़की को कोई लाभ नहीं करेगा। लेकिन मुझ जैसा सिंपल लड़का इससे रहम करके प्यार तो करेगा, पर शादी नहीं करेगा। ए, शर्म नहीं आती? बेचारी एक हैंडीकैप लड़की को सता रहे हो। अरे बाप रे, तुम भी ये आइडिया ट्राई कर रहे हो? मैं भी लड़कियों को सताता हूँ। सताना है तो सिर्फ घमंडी और बदमाश लड़कियों को सताओ, लेकिन ऐसी फिजिकली हैंडीकैप लड़कियों को नहीं सताता हूँ। तुम जा सकती हो। सर बोल रहे हैं, जाओ। थैंक यू जी। यू आर वेलकम। क्यों बेटा, तू हैंडीकैप्स को नहीं सताता, बदमाशों को ही सताता है, ये तो उससे भी ज्यादा है। अरे दोस्तों, आ रहा हूँ मैं। चलो सभा संभालो। छोड़ दीजिए, टाइम हो गया, बेल मारेंगे। नहीं मारेंगे। मारेंगे। नहीं मारेंगे। मारेंगे। अरे नहीं मारेंगे। कैसे बोल सकते हो नहीं मारेंगे? बेल यहाँ, कहाँ से मारेंगे?
है? क्लास में जाने के बजाय यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? बेल नहीं बजी सर। बेल नहीं बजी? 9 बज गए सर। प्यून प्यून सर, सर क्या सर? बेल क्यों नहीं बजाया सर? बेल बजाया सर। नहीं बजाया सर। सर बजाया सर। नहीं बजाया सर। ए अब जाकर बजाओ, जाओ। ओके सर। ओहो, तो ये तुम्हारी करतूत है। बेवकूफी क्यों करते हो? इस तरह की हरकतें क्यों करते हो? दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूंगा सर। दांत बंद करो, अब जाओ क्लास में, जाओ जाओ। ए, चलो भाई। ए, तुम मेरे साथ रूम में चलो, चलो कम ऑन कम ऑन। भज गोविंदम भज गोपा। दिखाई नहीं देता क्या? मेरे गाड़ी के सामने क्यों आया? क्या कहा? एक तो मेरी गाड़ी को ठोकर मार दी और मुझे ही आंखें दिखा रही हो। उंगली पकड़ने को दी तो गर्दन पकड़ रही हो। असल में तो तुझ पर पुलिस केस करना चाहिए। तो मैं एक लड़की हूँ इसलिए छोड़ रहा हूँ। चुपचाप मुझे ड्रॉप करो। मैं क्यों ड्रॉप करूँ? ओके ड्रॉप मत करो, नो प्रॉब्लम। पुलिस आने तक दोनों यही रुकते हैं। रेडी? पता नहीं किस गाड़ी से पाला पड़ा था। क्या कहा? कुछ नहीं कुछ नहीं, बैठिए ना। गुड, चलो चलो। आज क्लास में बड़ा फनी इंसिडेंट हुआ था। दीदी भैया बस देख के चलाओ। सरक के बैठो। तो सरक गया। आगे नहीं पीछे। क्या लड़की यार। मुझे धक्का देके तुम क्यों चला रहे हो? क्या जानती हो मेरी हालत क्या है? और बाप रे। हाथ हटाओ। उतरो। अभी नीचे उतरो। ए, मेरी कमर पे हाथ क्यों रखा? स्पीड ब्रेकर पे इतनी तेज चलाया तो हाथ लग ही गया। नहीं, मैंने जानबूझ के नहीं रखा। तुमने जानबूझ के रखा। क्या कहा? मैंने जानबूझ कर तुम्हारे ऊपर हाथ रखा था? हेलो, चल निकल यहाँ से, चल निकल निकल। अरे ऐसे चल के क्यों आ रहे हो? बाइक कहाँ गई? रिपेयर के लिए दी है। रिपेयर करने दी है या उसके बहाने से लड़की के साथ घूम रहे थे? कौन सी लड़की? दीदी जब हमने पहले देखा तो ये दोनों स्कूटी पे जा रहे थे। रोड नंबर 12 पे देखा तो ये दोनों लड़ रहे थे। क्या हुआ होगा दीदी? और क्या होगा, लव हुआ होगा। सच कहा दीदी, वरना भैया उस लड़की की कमर पे हाथ क्यों रखते हैं बताइए तो। मुझे बीच में रख के फुटबॉल क्यों खेल रही हो तुम दोनों? तो तुम ही बताओ ना। क्यों भैया, तुम उस लड़की से सच में लव करते हो? अरे लगाओ क्या, एक लव कुछ नहीं है। ये कैसे किलो दिया भैया? 50 रुपए किलो। ये सारे दे दो। ठीक है सर। ये कैसे दिया भैया? खत्म हो गया बेटी, सारे इन्होंने ही खरीद लिए। सुनिए, मेरे डैडी को ये बहुत पसंद है, मैं आधे ले लूं? ये हमें ही कम पड़ेंगे बेटा। यहाँ क्या कर रहे हो बेटी? आपकी पसंदीदा सब्जी लेने आई थी डैडी, पर इन्होंने पूरी खरीद ली। अरे कृष्णा तुम। अरे सुबू। मेरे पापा का नाम सुब्रमण्यम है। मैं जानता हूँ बेटी, हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं बेटी। ये मेरी बेटी है। अंकल अब तो मैं इसमें से आधे ले लूं? आधा क्यों बेटी, सब पकाकर इसके सामने परोसूंगा और इसको खाते हुए देखूंगा मैं। चलो मेरे घर चलते हैं। चल हाँ चलो। दीदी दीदी यहाँ आओ। क्या हुआ? वहाँ देखो, उस दिन भैया के साथ जो लड़की थी वो यही है ना? पापा के साथ क्यों आई है? यानी भैया का काम तमाम। भैया भैया वो लड़की हमारे घर आई है भैया, अपने पापा को लेकर। जल्दी आओ। कहा ना मैं उस लड़की से प्यार नहीं करता हूँ। वो बात नहीं है भैया, वो लड़की हमारे घर आई है। अरे बाप रे, हमारे घर आ गई है? बाप रे। अन्नपूर्णा ये याद है तुम्हें? क्यों याद नहीं है, सुब्रमण्यम भैया ही है ना। कैसी हो बहना? अच्छी हूँ भैया। ये मेरी बेटी सुहासिनी, यही कॉलेज में पढ़ती है। नमस्ते आंटी। अरे सुब्बू ये बड़ी लड़की है। नमस्ते अंकल। इसकी शादी तय हो गई है। और ये छोटी बेटी। नमस्ते अंकल। अरे कृष्णा तेरे एक बेटा भी था, वो किधर है? अरे है ना राजो। ए अरे टॉवल तो निकाल। अरे टॉवल निकाल, शक्ल देखनी है तेरी। यू क्या है सब्बू, मुझे लगा तू पहचानेगा लेकिन तेरी बेटी ने पहचाना। क्यों बेटी तुम इसे पहचानती हो? हाँ डैडी ये हमारे कॉलेज में ही पढ़ता है। अच्छा है बेटी, बचपन में भी तुम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, अब फिर एक साथ कॉलेज में पढ़ रहे हो। अंकल बचपन में ये दोनों एक ही स्कूल में थे? हाँ बेटी, बचपन में सुहासिनी की बहुत नाक बहा करती थी, तब तुम्हारा भैया बहती नाक करके उसे चिढ़ाता था। डैडी वो सब क्यों बता रहे हो? तू भी उसे कुछ कह के चिढ़ाया करती थी। क्या कहती थी? वो भूल गई होगी अंकल, बहुत पहले की बात है ना। तुझे कुछ याद है कृष्णमूर्ति?
कुछ तो कहा कुछ तो कहा करते थे यार, वो क्या कहती थी? कुछ नहीं, आँख में कचरा चला गया अंकल। उसकी आँख का कचरा निकाल दो बेटी। क्यों? बहती नाक कहकर चढ़ाना चाहते हो? बहती नाक वाली लड़की। ईमानदारी से बचपन में क्या कहकर चढ़ाते थे बताओ, वरना तुम्हारे आँखों की सच में परेशानी हो जाऊंगी। डैडी, मैं बचपन में नागों को क्या बुलाती थी? याद नहीं आ रहा, भूख लगी है, खाना दो। बचपन में उसे क्या कहकर बुलाती थी बताओगे तो ही खाना दूंगी, ठीक है ना? वैसे भी दीदी और जीजा जी को खाने पर बुलाकर पहले आप कैसे खा सकते हैं? तुम्हारा जीजा सीएम साहब का पिए, वो उन्हें कब छोड़ेंगे और वो कब आगे खाएगा? मुझे तो भूख लगी। लो, आ गए। दामाद जी, मुझे जोर की भूख लगी है भाई। दीदी, कृष्णमूर्ति नाम के अपने पड़ोसी हुआ करते थे, याद है? हाँ, कोर्ट के प्यून है ना? हाँ, उनके बेटे नागराजू को मैं एक निकनेम से बुलाया करती थी, आपको वो नाम याद है? एक निकनेम भी किताब है, वो लाकर देती हूँ, वो पढ़कर जान लो। उसकी जरूरत नहीं है। खाना परोसो बेटी। क्या बनाया है आज? आपकी नहीं, डैडी के कहने पर उनकी फेवरेट सब्जी बनाई है। ये सब्जी क्यों बनाई? इस सब्जी को तो लेबर लोग खाते हैं, पिताजी को कैसे पसंद आएगी? लेबर इसे खाते हैं तो क्या हम खाना छोड़ दें? मुझसे बहस करना नहीं, इससे जीत कर दिखाओ तो जानू। सुहासिनी की हर बात मुझे स्वीट लगती है। डैडी, डैडी। क्या हुआ बेटी, कोई बुरा सपना देख लिया? सोऊंगी तो सपने आएंगे ना। डैडी, नागराजू का निकनेम बताइए ना। नींद लगी है बेटी, सुबह सोच करके बताऊंगा। क्या डैडी? डैडी, नींद ही नहीं आ रही है। अरे मुझे तो सोने दो बेटी। माँ, अकेले अकेले क्यों हंस रही हो? बताओ ना कौन सा जोक है, हम लोग भी हंस लेंगे। बताऊंगी तो तू रोएगा। पहले तुम बताओ तो सही। कुछ नहीं बेटा, कल वो लड़की अपने घर आई थी, तुझे क्या कहकर चिढ़ाती थी पूछ रही थी। क्या पूछ रही थी और तुमने क्या बताया? मोटा गेंडा बोली। मोटा गेंडा। मोटा गेंडा। रुक रुक रुक, अभी बता दो। रुक जा। माँ, सामने से आ जा। अरे जा। मैं छोड़ दूँगी इसको। माँ आ जा। रुक रुक, अरे आ जाएगी तो। मेरे दुश्मन कहीं बाहर नहीं है, सब घर में ही बसे हुए। भैया लड्डू खाओगे? माँ। एक्सक्यूज मी सर, ये वीआईपी सीट्स हैं, आप जरा पीछे जाकर बैठिए। अपन कौन है इसको बता रहे? आर्ट्स कॉलेज का लीडर है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, नाम है गुरु। तो हम क्या करें, पीछे जाकर बैठो। क्या बोल रहे तो? ये कौन है जानता है? कौन है ये? 0.4 से बड़ा, 0.6 से छोटा है। आप बैठिए सर, बैठिए बैठिए। उसने कुछ तो कहा लेकिन मेरे समझ में नहीं आया। 0.4 से बड़ा, 0.6 से छोटा, 0.5 बोला वो। चल, ए चल। डियर फ्रेंड्स, आज हमारे कॉलेज के गोल्डन जुबली फंक्शन में मुख्य अतिथि के रूप में सीएम साहब को क्यों बुलाया है जानते हैं? क्योंकि वो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट रह चुके हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मंच पर आने की विनम्र विनती करता हूँ और उनका सम्मान करने के लिए कॉलेज के प्रिंसिपल साहब आएंगे। इसके बाद हमारे यहाँ विशिष्ट अतिथि बनकर आए माननीय होम मिनिस्टर को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। सीएम साहब हमारे इसी कॉलेज से पढ़ाई लिखाई करके आज राज्य के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, इसलिए हम विद्यार्थीगण आपसे एक संदेश सुनने की आशा रखते हैं। सारे विद्यार्थियों को गोल्डन जुबली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमेशा पॉलिटिकल वाले माइक हाथ में आते ही बड़े बड़े वादे करते रहते हैं। मैं वादे करने के लिए नहीं आया हूं,
जनता की मदद करना पहले की राजनीति थी और रुपए कमाना आज की राजनीति है। आप सब लोग नए वोटर्स होंगे। सरकार को बदलना या राजनेताओं को बदलना युवाओं के हाथ में है। तुम सबको राजनीति में आना चाहिए और राजनीति के तौर तरीकों को बदलने की उम्मीद तुमसे करता हूँ। आज मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूँ, कल आप में से कोई एक इस कुर्सी पर बैठ सकता है। खासकर युवाओं से मेरी विनती है, तुम आने वाले उज्जवल भारत के उजियारे दीप हो, कल के बनने वाले वीर हो। युवा हीरो से ही भारत को एक नया रूप मिलेगा। सोल द पीपल, बॉय द पीपल, ट्रू द पीपल के बदले ये भावनाएं होनी चाहिए। सोल द यूथ, बॉय द यूथ, ट्रू द यूथ। सोच जब आएगी तभी सब कुछ अच्छा होगा। जय हिंद। नमस्ते साहब। क्या रे, गुस्से में है क्या? कश्मीर में इलेक्शन होने पर जैसा गुस्सा छा जाता है ना, उतने गुस्से में है वो। तो वापस चला जाओ क्या? वापस जाओगे तो कारगिल वॉर हो जाएगा। तो करूं क्या? मेंटली प्रिपेयर होकर अंदर जाकर उन्हें पटा लीजिए। जाइए, छोड़िए मत। सूली पे चढ़ाया ना, अब मर गया। सर दर्द हो रहा है? नहीं, बदन में आग लगी है। तुम्हारे दुख को समझ सकता हूँ मंदा भाई, कॉलेज में फंक्शन था ना, कॉलेज में फंक्शन था। क्यों, कॉलेज के लड़कों के लिए मैं काम नहीं आ सकती क्या? मेरी स्पीच काम की नहीं है? मुझे अगर स्टेज पर बुलाया होता तो दिखा देती। लगता है पारा गर्म हो गया है। आओ। स्टेज ही क्या पगली, एमएलए रंगा राव मर चुका है ना, अगले इलेक्शन में उसकी ही सीट दिलवा दूंगा मैं तुझे। कमिट हो गया, कमिट हो गया। एमएलए के मरने के बाद वो सीट उसकी बीवी की होती है, मुझे उस रंगाराव के साथ ही होना चाहिए था। मंदा भाई, इतनी बेइज्जती ठीक नहीं है। ये सीट तुम्हें नहीं दिलवाई तो नेतागिरी से इस्तीफा दे दूंगा। इन चार दीवारों के बीच वादों की तो कमी ही नहीं है। राजनेता धोखा देते हैं मामूली वोटर्स को, तुम्हारी जैसी औरत को नहीं। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्कार। ये मंदा भाई है, समाज सेविका, अपनी पार्टी को पसंद करती है, आपसे मिलने आई है। थैंक यू। आपकी पार्टी में मौका मिलेगा तो अपने आप को साबित कर दूंगी सर। बिल्कुल मिलेगा। अपनी पार्टी की सेवा करना चाहती हैं। वर प्रसाद, तुमने और हमने एक ही कॉलेज में पढ़ाई की है, मैं तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरे लिए जितना अहम पद है, कैरेक्टर भी उतना ही अहम है। तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता चला है, इस तरह की बातें हमारी पार्टी के लिए शोभा नहीं देती। कहने वाले कुछ भी कहते हैं सर, अगर उन पर ध्यान देंगे तो राजनीति नहीं कर पाएंगे हम। इसे किस लिए लाए हो? वाई लक्ष्मी की सीट के लिए। वो ऑलरेडी यूथ लीडर को दे दिया है ना? अभी तक फाइनल नहीं किया है ना, मंदा भाई से नॉमिनेशन करवा सकते हैं। हर मिनट में बदलते रहे तो अपनी पार्टी का नाम गंगा में बह जाएगा। चलता हूँ। आ गए काशी जी, आ गए काशी जी, आ गए। नमस्कार दोस्तों। नमस्ते। नमस्ते। मैंने एक उंगली घुमाई तो स्टेट की सरकार लट्टू की तरह घूमनी चाहिए। बस कैसी हो मंदा भाई, बैठ जाइए। वैसे भी तुम्हारा क्या, मेहनत कम कनेक्शन ज्यादा है, ठीक ही होगी। हाँ, क्या खाक ठीक हो? क्यों? वही साहब, वही लक्ष्मी की सीट दिलाने वाले थे ना, सीएम ने ना कह दिया, ये जो है इंडिपेंडेंट सीट दिलाऊंगा कह रहे हैं, इसीलिए मैडम डर रही है। किस लिए डर रही हो? मैं हूँ ना, मैं अपोजिशन लीडर हूँ ना, अभी हमारे पार्टी में जगह खाली है, इसे इंडिपेंडेंट ठहरा कर हमारी पार्टी से पूरा सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना? ओके। हेलो, नमस्ते जी, अभी मैं अगले इलेक्शन के लिए एक कैंडिडेट को खड़ा कर रहा हूँ, मंदा भाई नाम है, अच्छी समाज सेविका है, हाई क्लास से लेकर लो क्लास तक पूरा फिगर अच्छा है, मैं इसे पार्टी में लेना चाहता हूँ। क्या कहा, उन्हें सपोर्ट करने से हमें क्या फायदा होगा? लाइए मैं बात करता हूँ। ओके, एक मिनट, वो औरत है ना, होम मिनिस्टर की प्यारी गुड़िया है रे बाबा, उन्हीं से बात कर लो। अपनी पार्टी की सपोर्ट से मंदा भाई को जिताओगे तो अपनी पार्टी की गवर्नमेंट को मैं गिरा दूंगा, हैं? गारंटी क्या? इधर लाओ। गारंटी वारंटी क्या मांग रहे हो बाबा, औरत के कदम पड़ने के बाद कितनी सरकारें गिर चुकी हैं। अब सुनो, हिस्ट्री जानते हुए भी मुझसे मत बुलवाओ, यहाँ का सारा मैं संभालता हूँ और वहाँ का सारा तुम संभालो, अब रखता हूँ। थैंक्स जी, आपका कर्ज चुका दूंगी। ये क्या मंदा भाई, थैंक्स से ही काम चलाओगी? नहीं तो क्या चाहिए बताइए ना। अरे बाप रे, ऐसे मामले में मैं थोड़ा वीक हूँ, मेरा तो एक ही सिद्धांत है, घर का टैक्स फ्री, राशन
फ्री, बिजली फ्री, सपोर्ट फ्री, चप्पल से मारूंगा, सपोर्ट फ्री नहीं है। परेशान मत होइए, वो सब मैं संभाल लूंगा, कुछ भी करना पड़े करूंगा, लेकिन ये तय है कि मेरी मंदाबाई असेंबली में पहुंचनी चाहिए, बस। पहुंच गई समझो, हमारा हो, हरी बाबू को मिलेगा, हमारा हो, हरी बाबू को मिलेगा, हमारा हो, हरी बाबू को मिलेगा, हमारा हो। मेरे भाइयों और बहनों, एक बार अपनी आंखों से इन्हें देखो, दिन रात मेहनत करने वाली ये हमारी समाज सेविका मंदाबाई है। इस समाज सेविका को ही वोट क्यों दें, ऐसा आप सोच सकते हैं। वोट देंगे तो आपके घर का टैक्स फ्री, राशन फ्री, बिजली फ्री। उन्हें देखिए और इन्हें देखिए, उनके काम देखिए और इनके काम देखिए, और वोटों की बारिश कर दीजिए। आप अपना वोट हरी बाबू को देकर उन्हें भारी मतों से जिताइए। मंदाबाई को जाएगा हमारा वोट, हरी बाबू को मिलेगा हमारा वोट, मंदाबाई को जाएगा हमारा वोट, मंदाबाई को जाएगा हमारा वोट, हरी बाबू को मिलेगा हमारा वोट, मंदाबाई को जाएगा हमारा वोट। ए, स्ट्रीट में पहले हम लोग आए थे, चलो पीछे हटो। अरे बताओ हम किस रास्ते से जाएं, बताओ, तुमको डिसाइड करना होगा। हटो, हम लोगों को जाने दो, हटो। हम इस रास्ते से आ रहे देखकर तुम भी इसी रास्ते पर आ गए, अपना मुंह बंद करो और हमारे रास्ते से हटो। हम नहीं हटेंगे, सर फोड़ दूंगा। ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है सर, हम भी फोड़ सकते हैं। देख यार इनका ड्रामा, इनके बारे में कौन नहीं जानता, कल तक तो ये इनके साथ थे और आज पलट गए। अरे इनका क्या भरोसा, आज ये दोनों साथ साथ है, इनके बारे में कौन नहीं जानता, सिर्फ साइड बदलते रहते हैं बस। देख क्या रहे हो, मारो उसे। तुम्हारी तो एक बार बोला तो सुनाई नहीं देता। कौन है तुम लोग, मेरे घर में क्यों जा रहे हो? सुनिए, यहाँ पे झगड़ा क्यों कर रहे हैं? अबे हट रहा है, सुनिए हमारी बात, सुनिए। देखिए सूर्यदेवा नागराजू, सूर्यदेवा नागराजू, सूर्यदेवा नागराजू, तुम्हारा नाम नागा, अभी तो तुम्हें किसी और नाम से बुलाया गया ना? मेरे पिता ने तो मेरा नाम नागराजू रखा है, लेकिन सब लोग मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। इस महीने की 16 तारीख को घड़ियाल राजा राव नाम के आदमी को तुमने मारा क्या? मेरी जानकारी में उसका नाम गुरु है, हाँ इसे मैंने मारा है। इतना निडर और निश्चिंत होकर कह रहा है कि मारा है, इसके बाद अब विचार किस लिए? ये अपराधी है, इसे सजा दीजिए योर ऑनर। सर प्रोसिक्यूटर साहब, गलती की सजा होती है, लेकिन गलत है या नहीं ये विचार करने से पहले ही सजा देने की बात कर रहे हैं सर। अगर राजनीतिक पार्टी के नेता आपके घर में घुसकर आपको मारेंगे तो आप क्या करेंगे सर? हाथ बांधकर उन्हें नमस्ते करेंगे? साइलेंस। तुम बहुत टेढ़े सवाल कर रहे हो। हाँ सर, जब किसी राजनीतिक पार्टी की रैली चर्च के सामने, मंदिर के सामने, मस्जिद के सामने से गुजरती है तो लाउड स्पीकर यूज करना मना होता है। ना ही भाषण दे सकते हैं और ना ही नारे लगा सकते हैं, लेकिन हमारे घरों के पास कान पचाए इतनी आवाज करते हैं। Am I correct? यह अन्याय क्यों सर? इस राजनीतिक शोर के चक्कर में किसी बीमार आदमी की जान भी जा सकती है। ये हम पर अत्याचार करे, ये हमारी इज्जत पर हाथ डाले, इसके बाद भी हम चुप रहे? लगता है राजनीति से नफरत करते हैं। सर आंखों पर रखता हूँ, जनता मेरी भगवान है, समाज ही मेरा मंदिर है। जनता के लिए अपनी जान देने वाले नेताओं को मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, लेकिन दारू के पैकेट देकर, बिरयानी के पाउच देकर और मासूमों के हाथ में 100 रुपए देने वालों पर मुझे गुस्सा आता है सर। कॉलेज में नकल करके पास होना जितना बड़ा गुनाह है, उतना ही बड़ा गुनाह है पैसे से इलेक्शन जीतना सर। कब कहां कौन सी पार्टी शोर मचाएगी पता नहीं चलता, अरे किसका सर फोड़ा जाएगा, कौन सा मासूम बलि चढ़ेगा पता ही नहीं चलता। तो प्रचार भी नहीं करें क्या? प्रचार मत करो नहीं कहता हूं सर, जनता को डिस्टर्ब मत करो कहता हूं। प्रचार के नाम से करोड़ों का पैसा बर्बाद मत करो कहता हूं। एक एमएलए को प्रचार करने के लिए खर्चे की लिमिट दी गई है, वो लिमिट पार करके लाखों करोड़ों खर्चा करके और उसके बाद ये सारा पैसा आम लोगों से वसूल करते हैं ये नेता। इसकी वजह से नुकसान किसका हो रहा है? जनता का। परेशानी किससे हो रही है? जनता को। इसलिए सड़कों पर प्रचार करना गलत है कह रहा हूँ। ये संविधान में लिखा हक है। जब से हमारे देश को आजादी मिली है तब से लेकर अब तक संविधान में सैकड़ों संशोधन किए जा चुके हैं, तो जनता की भलाई के लिए एक और संशोधन करने में क्या अर्ज है? उन्नति का प्रतीक कहे जाने वाले अमेरिका जैसे देश के साथ कई देशों में टीवी मीडिया के द्वारा प्रचार किया जा रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए हर पार्टी को प्रचार करने के लिए थोड़ा वक्त देना चाहिए, जनता के धन की रक्षा करना चाहिए सर। बीच सड़क पर प्रचार करने से जनता को जो परेशानी होती है उससे उसे बचाइए। मैंने जो किया है वो गुनाह है, लेकिन आईपीएस सेक्शन 96, 97, 9800 के मुताबिक मैं सजा के काबिल नहीं हूं। That's all, Your Honor. नागराज पे लगाए सारे आरोपों को खारिज करते हुए उसकी अपील को
इलेक्शन कमिश्नर को भेजने के लिए सिफारिश करूंगा। तुम्हारा बेटा साधारण लड़का नहीं, उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। सर, लॉ कॉलेज स्टूडेंट नागराजू ने इलेक्शन प्रचार के प्रति जो सलाह दी है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक्सीलेंट। गली गली घूमकर प्रचार करने के बजाय मीडिया का सहारा लेने का उपाय मुझे काफी पसंद आया। सर, मिस्टर नागराजू, तुम्हें घर जाने के लिए अर्जेंट मैसेज मिला है। You can go. नागा, तुमसे मिलने सभी यूनियन के लीडर आए हैं। चलो 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 चलो। मैं आंध्र यूनिवर्सिटी यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। हेलो, श्री कृष्ण देव राय यूनिवर्सिटी से हूँ। उस्मानिया यूनिवर्सिटी, नागार्जुन यूनिवर्सिटी। हेलो, वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी। हाय, कॉकटिया यूनिवर्सिटी। आम्बेडकर यूनिवर्सिटी। हेलो, आपने कोर्ट में जो भी बोला उससे हम लोग काफी इंस्पायर हुए। आपकी हिम्मत के लिए हैट्स ऑफ। आप जैसे हिम्मत वाले हमारे स्टेज स्टूडेंट के यूनियन लीडर बने, हमारी यही इच्छा है। आपका सहारा मिलेगा तो हमें अच्छा सपोर्ट मिलेगा। माफ कीजिए, मुझसे ये नहीं होगा। ना मत कहिए, अगर आप हमारी टीम में आए तो हम और स्ट्रांग बन जाएंगे। स्टूडेंट लीडर नागराजू, 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 स्टूडेंट लीडर नागराजू। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। अच्छे काम के लिए सारे विद्यार्थियों ने मिलकर एक युवा समाज को तैयार किया है। इस ताकत के आगे कोई भी ताकत नहीं टिकेगी। अपने माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने युवाओं को आगे लाने के लिए मुझे अपनी पार्टी से एमएलए की टिकट दी है।
लेकिन होम मिनिस्टर ने प्रतिपक्ष पार्टी से हाथ मिलाकर प्रत्याशी के रूप में मंदाबाई को खड़ा किया है। उनके पास पैसा और ताकत दोनों है, इसलिए मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। अगर आपकी मदद मिलती है तो मैं जरूर जीत जाऊंगा। अच्छे काम करने के लिए युवाओं की मदद आपको जरूर मिलेगी, चिंता मत कीजिए। कल सगाई होने के बाद एक महीने के अंदर शादी रखना चाहते हैं लड़के वाले, क्या करें? वो इतनी जल्दबाजी करेंगे तो कैसे चलेगा जी? ए, शादी की चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, बाकी काम देखो तुम लोग। नहीं छोड़ूंगी। तुझसे कह रहा हूँ छोड़ दे। छोड़ना मत, पकड़े रह रहा हूँ। छोड़ने के लिए कह रहा हूँ ना। मैं पहनाती हूँ। सूरत देखिए, ढंग से साड़ी पहननी तो आती नहीं है तुझे, तू मुझे धोती पहनाएगी? जाओ जाओ। अरे जा ना मेरी माँ, जा। ये कोई ब्रह्म विद्या है क्या? जैसे लड़कियाँ साड़ी पहनती है वैसे लड़के धोती बांधते हैं, उसमें क्या? अरे बेटी पहनाना चाहती है तो धोती पहनवा लो बेटा। अंकल ये तो बची कुछ धोती भी उतार लेगी। कह देता हूँ पास मत आना। संभाला, ये क्या रे? खाना है पेट भरने तक खाने के लिए। तू जा यार। अरे हाँ? ये सब किस लिए यार? अरे तू समझा नहीं यार, वहाँ खाना पीना है तो गाना बजाना भी होगा ना। अब बोलो तारा रा रा। क्या यार इतना लेट क्यों हो गया यार? मैं नहीं चल रहा हूँ, तुम लोग जाओ। क्या कहा, तुम नहीं चल रहे हो? तुम्हारे बिना हम सब सीएम साहब की मीटिंग में कैसे जा सकते हैं? तुम्हारे लिए तो सब जा रहे हैं। कल दीदी की सगाई है यार, मैं नहीं रहूंगा तो वो दुखी हो जाएगी। सगाई कितने बजे की है यार? कल शाम को 7 बजे की है। इनकी मीटिंग खत्म होते ही हम वापस आ सकते हैं। क्या यार, हमारे बिना हमारी बहन की सगाई हो जाएगी क्या? अरे मेरी अरे बात यार, दीदी क्या तुम्हारी है, हम लोगों की नहीं है? अरे लेकिन मेरी ऐसे नहीं मानेगा ये, उठाओ इसको। सारे स्टूडेंट्स कैसे आए? सर, नागा नाम का स्टूडेंट लीडर है, उसकी वजह से। अच्छा, वो उसके बारे में बहुत सुना है। मेरा अभिनंदन करके आशीर्वाद देकर आगे बढ़ाने वालों, भाई बहन एवं बुजुर्गों को मेरा नमस्कार। सलाह देने की उम्र वाले सेना की तरह काम नहीं कर सकते। किसी महान कवि ने क्या कहा है पता है? उम्र बीत गई, हड्डियां गल गई, अब तो मर जाओ कहा है। इसलिए युवाओं को अपनी पार्टी में ला रहा हूं। इतने सारे युवा हमारी पार्टी की मीटिंग में आए, इसकी बहुत खुशी हुई। इसका कारण है विद्यार्थी नायक नागराजू। धन्यवाद।
माँ मैं सगाई में नहीं आ पाया क्योंकि तेरी बात सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। तेरे लिए तेरे पापा रात भर बिना पलक झपकाए बैठे रहे हैं। लड़के वालों ने पूछा तो तू मंदिर गया है कह के झूठ बोलना पड़ा। जिंदगी में पहली बार उन्होंने कोर्ट से छुट्टी ली थी। इलेक्शन मीटिंग में जाना गलत था मानता हूँ, फिर भी टाइम पर पहुँच जाता। लेकिन रास्ते में एक रिक्शे का एक्सीडेंट हो गया जिसमें एक पति पत्नी थे, उन्हें ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती करवाना था माँ, इसीलिए नहीं आ पाया। वो बेचारी गर्भवती भी थी। तू अपनी बहन की सगाई में नहीं आ सका इसका मुझे कोई गम नहीं है। उस मीटिंग से तेरा क्या संबंध है? कौन सी पढ़ाई कर रहा है और ये मीटिंग क्या है? जिंदा बात कहना, झंडे उठाकर घूमना, किस लॉ की किताब में लिखा है बता? किस सेक्शन में लिखा है कि माता पिता को रुलाओ, उन्हें दुख दो? ए, आखिर लॉयर का राजनीति से क्या संबंध है? पापा, हमें आजादी दिलाने वाले महात्मा गांधी लॉयर थे पापा, हमारा संविधान लिखने वाले अंबेडकर लॉयर ही थे पापा, इतना ही क्यों? हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी लॉयर ही थे पापा, लेकिन उनकी तरह मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा पापा, आपकी बात रखने के लिए लॉयर ही बनूंगा। हाँ पापा। ए, रखवा। अबे मारूं के। सर नमस्ते सर। नमस्ते। बैठिए बैठिए। यहाँ कैसे आना हुआ सर? नागा, होम मिनिस्टर के कुछ लोग मिलके वोटिंग में चीटिंग करने वाले हैं। आप चिंता मत कीजिए सर, मैं सबको संभाल लूंगा। हाँ क्या रे? सब ठीक चल रहा है ना? सब ठीक चल रहा है। अच्छा ध्यान रखना। हाँ, ओके। आइए आइए बेंच आइए आइए अंदर आइए। हाँ इस तरफ इस तरफ। मुकुंद राव सन अब्रामा कृष्णा 448। ओके सर। हाँ यहाँ पे लगाओ। अरे इसको दीजिए वोट, इसको इसको इसको। नाम शकीला। भाई वॉइस बदल। हाँ जी। बहन जी बहन जी ठहरिए। क्या चाहिए? हम सब लोगों को आपकी सूरत देखनी है। शर्म आती है। क्या शर्म आती है, आप शायद बहुत खूबसूरत है, जरा देखने तो दीजिए। चोरी का वोट डालने आया है। ले चलो इसे। क्यों भाई कितने लोग आए रे? सर ये नकली कार्डेड है। असली कार्डेड यही है, तुम लोग चोरी से डलवा रहे हो। नहीं तुम चोरी से डलवा रहे हो, तुम लोग चीटिंग कर रहे हो। क्या रे सब ठीक है ना? हाँ अभी तक तीन चार लड़के ठीक ठाक रहे। क्या? एक भी बोगस वोट नहीं डालने दिया बॉस। नागा बहुत बहुत धन्यवाद, सब कुछ ठीक चल रहा है। नागा नागा अंदर झगड़ा चल रहा है, शायद चीटिंग हो रही है। चलो। अरे पुलिस को फोन लगा। अरे वो तो बच्चा है, वो क्या कर लेगा। अरे बच्चा नहीं वो बुलडोजर है, जल्दी फोन लगा। तुम लोगों ने ये डलवाया है, हम लोग यहाँ कुछ कर रहे हैं, चीटिंग है। अरे यहाँ कहीं वोट डलवाया जा रहा है, ये चीटिंग कर रहे हैं, ये गलत है। नगा ये बोगस वोट डलवा रहा है। चुपचाप यहाँ से बाहर निकल जाओ। रुक रे घर में तो चल बाहर।
कोसी नगर नियोजक वर्ग में हुई पोलिंग की गिनती का 7वां राउंड पूरा होने तक अधिकारी पार्टी के अभ्यर्थी श्री हरि बाबू से ऑपोजिट पार्टी की ओर से इंडिपेंडेंट खड़ी हुई कुमारी मंदाबाई उनसे 3768 वोटों से आगे हैं। अभी खबर के अनुसार शिवाजी नगर नियोजक वर्ग में हुआ उपचुनाव के वोट्स की गिनती का आखिरी राउंड पूरा होने के बाद अधिकारी पार्टी के अभ्यर्थी श्री हरि बाबू ऑपोजिट पार्टी की ओर से खड़ी हुई कुमारी मंदाबाई से 9 वोटों से जीत गए हैं। तुम क्या करोगे मैं नहीं जानती। गवर्नमेंट गिरा कर ही सही, इलेक्शन करवा कर ही सही, मुझे मुझे मंत्री बनना है। मंदाबाई सर। कौन है तुम, क्या चाहिए? मेरा नाम कृष्णमूर्ति है, कोर्ट में हाजिरदार हूँ। मेरे लड़के को अरेस्ट किया इसलिए आया हूँ। बेटे का नाम क्या है? राजू। राजू, ऐसे किसी नाम वाले को हमने अरेस्ट नहीं किया। लॉ कॉलेज स्टूडेंट नागराजू, किसी इलेक्शन के झगड़े में अरेस्ट किया था। नागराजू? जी हाँ। आप नागराजू के पिता हैं? जी हाँ। सर बैठिए सर। कांस्टेबल कॉल रिंग लेकर आओ। उसकी जरूरत नहीं है, मैं अपने लड़के को छुड़ाने के लिए आया हूँ। आप बहुत किस्मत वाले हैं सर, नागा को अभी सीएम साहब छुड़ा कर ले गए, आगे चलकर वो बड़ा नेता बन सकता है। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा लॉयर बने सर, ये राजनीति हमें नहीं चाहिए। चलता हूँ सर। कौन है यार ये, पागल लगता है। आजकल सब राजनेता बनने के लिए तड़प रहे हैं और ये मना कर रहा है। मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद, 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 मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद। लड़ लड़के 9 वोटों से जीते। तुम्हारी राजनीति मैं जानता हूँ। अपोजिट पार्टी को पैसा दे करके उनकी पार्टी से अभ्यर्थी को खड़े किए बिना मंदाबाई को सपोर्ट करवाया, चीटिंग करके मंदाबाई को जितवाना चाहा। वो स्टूडेंट लीडर नागराजू नहीं होता तो अपनी पार्टी बहुत बुरी तरह से हार जाती। पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी होते हुए भी ऐसा किया। दिस इज अ लास्ट वार्निंग फॉर यू। आइए सर। नागा। नमस्ते सर। वेल डन माय बॉय, वेल डन। लाखों बंदूकों से एक मिसाइल काफी होती है, हमारी पार्टी को तुम जैसे आदमी की बहुत जरूरत है। हमारी पार्टी के यूथ विभाग के आज से प्रमुख लीडर हो। मैं लैर बनूंगा पापा, कहा ना उसने, फिर चिंता क्यों कर रहे हो तुम? वो बात नहीं है, पहले कॉफी पियो। क्या अंकल, आप इतने क्यों परेशान हो रहे हो? उसको सिगरेट पीकर कैंसर तो नहीं हुआ है ना? या उसने दारू पीकर लीवर तो नहीं खराब किया? यूथ लीडर बन गया यही ना, वो लाखों लोगों का नायक बन गया है। आपके जमाने में 400 रुपया कमाने का मतलब भी लड़कियों के लिए बहुत बड़ी बात होती थी अंकल, पर आपकी बात अलग है। आज स्टेट में स्टेटस ही बहुत मायने रखता है। इनडायरेक्टली अपने दिल की बात बता दी उसने, और क्या चाहिए बोलो। वो पी अब तक आया क्यों नहीं? वो आएगा कब? आइडिया देगा कब? ये गवर्नमेंट गिरेगी कब? नमस्ते। बैठ जाओ। क्या बात है, ये इतनी सीरियस क्यों है? दोबारा इलेक्शन होने तक इनके आंसू नहीं रुकने वाले हैं। री इलेक्शन के लिए जीते हुए नेता को मारना पड़ेगा। हाँ, खर्चा बड़ा आएगा। आपके बजट का एक आइडिया दूं? कैसी बात कर रहे हैं आप, यहाँ पे आइडिया देने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। असहमति, प्रतिपक्ष, हाथ मिलाने के बाद सरकार को गिरना कौन सी बड़ी बात है? कहीं पे अतिवृद्धि, कहीं पे अनावृद्धि और कहीं पर खून खराबा, किसी भी पॉइंट पर हंगामा कर सकते हैं। अरे क्या बात कही यार, मिल गया अकाल। अकाल कहाँ से मिल गया? अकाल कहकर नारे लगाओ, 23 जनपदों के किसानों के हाथों अकाल की समस्या लाकर लॉ एंड ऑर्डर शेक कर देंगे। ये सही है। सच में अकाल की समस्या खड़ी करोगे? मंदाबाई की सीट की कसम। आप कुछ और बोल रहे हो, तब कुछ और बोले थे, अब अपनी जरूरत है। वो क्यों? पैसा उसका है ना, फ्रेम है अपनी पब्लिसिटी। हाथ मिलाइए। हम राजनीति में हैंड देते हैं लेकिन शेकहैंड नहीं। बैंड बजाना जबरदस्त। हे कौन हो
तुम लोग, चलो चलो यहाँ से पीछे हट जाओ, चलो। सीएम साहब से मिलकर हम नहीं जाएंगे। नमस्ते साहब। नमस्ते, आपकी समस्या क्या है? पानी के बिना हमारे खेत सूख रहे, खाना पानी के बिना हमारे बीवी बच्चे तड़प रहे हैं साहब। आपने इसका हल नहीं निकाला तो हमें आत्महत्या करनी पड़ेगी साहब। इस विषय पर दूसरे राज्यों से बात कर रहा हूँ, लेकिन उनके पास से कोई जवाब नहीं मिला है। मैं तुरंत केंद्र से बात करके इस समस्या का हल निकालूंगा, जरूर आप लोगों को पानी मिलेगा। ठीक है सर, नमस्ते। ठीक है सर, पीएम सर लाइन पर हैं। नमस्कार सर। सर, आई हैव ऑलरेडी सेंड दैट डिटेल रिपोर्ट ऑफ ट्राइड सिचुएशन इन द स्टेट। सर प्लीज डू कंसीडर, दिस सिचुएशन इज वेरी बैड सर। सर सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके सर। क्या हुआ सर? केंद्र के पास पैसे नहीं है, बोल रहे हैं। उस काशी ने ऑलरेडी किसानों को भड़काया है, हमने कुछ नहीं किया तो हालात बहुत बिगड़ जाएंगे। नमस्ते सर। हाँ, आपने बुलवाया मुझे? हाँ, मैं किसानों के लिए आमरण अनशन करने वाला हूँ। आमरण अनशन किया तो लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकती है। लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम हमेशा यूथ की वजह से होती है, वो बिगड़ गया तो बाकी लोग भी बिगड़ जाते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मैं संभाल लूंगा। तुम अकेले नहीं, अपने स्टेट के विद्यार्थी यूनियन को भी खबर करो, ये आमरण अनशन शांति से होना चाहिए। ओके सर। सर, इतने दिनों के बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई रिस्पांस नहीं आया है, अगर आप कहें तो अपने आदमी दिल्ली भेज दूं। चलो चल के खाना खा लो। मुझे भूख नहीं लगी माँ। ये क्या रे, आखिर क्या हो गया तुझे, क्यों भूख नहीं है? देखिए जी, इसे खाना खाकर 3 दिन हो गए हैं, खाना ही नहीं खाता है। मुख्यमंत्री साहब को खाना खाए हुए 3 दिन हो गए, यानी उनके लिए भूखा रहेगा? हमें खाना देने वाले किसान भूखे रहे तो मैं कैसे खा सकता हूँ? अरे तू अनशन करे, राजनीति करे, नेताओं के साथ घूमे, इसलिए मैंने तुम्हें मेहनत करके नहीं पढ़ाया है। अरे तुझे राजनीति के बारे में कुछ पता नहीं है, ये राजनेता लोग तुझे इस्तेमाल करके छोड़ देंगे। मेरे पिताजी मुझे नहीं पढ़ा सके, इसलिए मैं जिंदगी भर प्यून बनकर जीता रहा हूँ। तू मेरी तरह ना बने इसीलिए मैं तड़पता रहा हूँ। ए तू मेरी बात सुन, ऐसा मत कर, ये राजनीति अच्छी बात नहीं है। आपकी तरह हर कोई राजनीति से भागेगा तो लोगों का भला कैसे होगा पापा? आपने लोगों का भला करने के लिए ही तो मुझे लॉ पढ़ाया है ना, किसी भी तरह भला होना चाहिए पापा। लेकिन पापा मेहरबानी करके इस बारे में और कुछ मत कहिए प्लीज। मैं कोई काम शुरू ही नहीं करता, और करता हूं तो उसे पूरा करके ही छोड़ता हूं। साहब आपने एक सोचा तो एक हो गया, किसानों की प्रॉब्लम से उनकी कुर्सी गिराने का आप सोचे, और आमरण अनशन करके स्टेट की सिंपैथी उसने मार ली। केंद्र में अगर उसकी सरकार आई तो उसे कुर्सी से उतारना तो बहुत दूर की बात है, उसकी चप्पल भी नहीं उतार पाओगे। चुप कर यार। सर वो सच कह रहा है सर। देखो तूफान आने पर पेड़ गिरते हैं, वायलेंस होने पर सरकारें पलट जाती हैं, वैसे पलटने के लिए तुम तुरंत जाकर नागा से मिलो, बाकी सारा काम गुरु संभाल लेगा। नागा, क्या यार तुम लोग ऐसे रोड पर घूम रहे हो? अगर तुम इस तरह से ऐसे मुंह बनकर के बैठ गए तो सीएम साहब मर जाएंगे। अरे ट्रेनें रोककर, बसों को जलाकर लॉ एंड ऑर्डर को प्रॉब्लम क्रिएट किया तो ही वो वहां से उठेंगे। ये क्या कह रहे हो, सीएम साहब ने ही तो हमें शांति बनाए रखने के लिए कहा है। ओहो, तुम राजनीति को नहीं जानते, वो अगर ना कहे तो इसका मतलब हाँ होता है। किसी भी समस्या के हल के लिए लड़ना पड़ता है, अगर हम लड़ते ही नहीं तो अपने देश को आजादी कहाँ से मिलती, भारत में क्रांति कैसे फैलती? सीएम साहब की जान बचाने के लिए हमें जो राह अपनानी है वो साइलेंस नहीं वायलेंस है। ए बस ए, सुनो तो, अरे धक्का क्यों मार रहे हो?
चल उधर चल चल सर, आने वाली ट्रेन को यहीं रोक दीजिए। इस स्टेशन पे उस गाड़ी का स्टॉप नहीं है। किसानों के लिए आमरण अनशन कर रहे सीएम साहब मौत से जूझ रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर बंद का आयोजन कर रहे हैं। इस गाड़ी को यहीं रोकना होगा। सॉरी सर, उस गाड़ी को रोकने का अधिकार मेरे पास नहीं है। तो इस गाड़ी को कैसे रोकना है हम बताते हैं। चलो रे, चलो। बंद करना ही होगा। मुख्यमंत्री की जान जारी होगी। 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 चलो रे, उस बस को रोको। रुक रहे सर, यहाँ स्टूडेंट्स रोड को ब्लॉक करके बसों को चला रहे हैं। स्टूडेंट्स बसें जला रहे हैं, रास्ते जाम कर रहे हैं, ट्रेनों को रोक रहे हैं, सरकारी संपत्ति बर्बाद हो रही है, लाठी चार्ज करवाया, आंसू गैस छुड़वाया, शूटेड साइड ऑर्डर देने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है सर। नागा नागा, बाहर पुलिस फायरिंग कर रही है, बहुत सारे लोग मारे गए। सर, अगर आप लोगों ने फायरिंग नहीं रोकी। ये क्या कर दिया यार तूने? उस राजू को मार दूंगा बोल के उसके बाप को मार डाला। वो मरा तो युवा बिगड़ जाएंगे, लॉ ऑर्डर में प्रॉब्लम हो जाएगी, सीएम को बदल देंगे सोचा था।
उसे मारने के लिए तो ट्राई किया था सर, मिस्टेक से उसका बाप मर गया। जो भी हो तुम जरा संभल कर रहना, उसे बात पता चली तो वो तुझे छोड़ेगा नहीं। ठीक है सर, मैं डेफिनेटली करूंगा सर। ओके सर, चौली। नमस्ते सर। सर नागा की जमानत के लिए आए हैं सर। जमानत पर नहीं छोड़ सकता। नागा यूथ लीडर है, ये बात सीएम को पता चली तो क्या होगा जानते हो? जानता हूँ बेटा, सीएम ऑफिस से फोन आया है, उन्होंने मना कर दिया है। सर प्लीज सर, उसके पिता का अंतिम संस्कार करना है, दूसरा कोई भी नहीं है सर। नो, बहुत स्ट्रॉन्ग केस है, तुम लोगों की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स मारे गए हैं, कोर्ट में सबमिट करने तक मैं इसे नहीं छोड़ सकता। यू कैन गो। सूर्यदेव नागराजु। कई सारे स्टूडेंट्स मारे गए हैं, उसकी वजह तुम ही हो, यह आरोप तुम पर लगा है। उसकी वजह मुख्यमंत्री जी हैं। मुख्यमंत्री जी के आदेश से ही मैंने ये सब किया है, लेकिन इतने लोगों की जान जाएगी, ऐसा होगा ये मैंने सोचा भी नहीं था। मुख्यमंत्री जी ने सच में करने के लिए कहा था? आपके इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, मुख्यमंत्री देंगे। अदालत आरोपी नागराजू को और उसके साथियों को 10 दिन तक कस्टडी में रखने का आदेश देती है और मुख्यमंत्री जी को समन जारी करती है। सर
नागा को रिहा करवाने के लिए स्टेट के सारे स्टूडेंट्स यूनियन आंदोलन करवा रहे हैं सर। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक नागा की गिरफ्तारी को लेकर अपोजिशन पार्टी वाले बहुत बड़ा प्लान रच रहे हैं सर। उसे जमानत पर रिहा करवा करके मेरे पास लेकर आओ। सर नागा आ गया। तुम्हें देखकर मुझे बहुत गर्व होता था। आप हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इस बात पर मुझे भी बड़ा फक्र था सर। मैंने सोचा था युवाओं के तुम आदर्श बनोगे, और मैं सोचता था कि आप युवाओं के लिए आशा की किरण। ये क्या तुम इस तरह से जवाब दे रहे हो? कोर्ट भी आरोपी को ये इजाजत देता है कि वो अपने सवालों के जवाब पा सके। लीडर बना दिया तो तुम्हें घमंड आ गया? जेल होकर आया हूँ सर, वहाँ का अनाज खाते ही यहाँ नहीं सर, यहाँ चल रहा है। किस लिए? गलती तो तुमने की है ना? करवाने वाले तो आप ही थे ना? मैंने करवाया? जगदीश ने मुझसे कहा था कि आपने करने के लिए कहा है। तुमने कहा? कहा था सर। मैंने ऐसा कब कहा था? सर आपको कुछ होने जाए इसलिए मैंने इन्हें ऐसा करने को कहा था। तो इसके लिए तुम झूठ बोलोगे? आई एम सॉरी सर। लेकिन नागा तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई? तुम तो मेरा कैरेक्टर जानते हो, अब तुम्हारा भविष्य क्या होगा तुम जानते हो? क्या अब भी मेरा कोई भविष्य है सर? मैंने अपने पिता को खो दिया है सर, उनकी शक्ल तो मैं नहीं देख पाया, लेकिन बिना सिंदूर के मेरी माँ कैसी लगेगी मुझे देखना पड़ेगा सर। कन्यादान करने के लिए मेरे पिताजी क्यों नहीं है? जब मेरी बहन पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा सर, क्या जवाब दूंगा? मत करना, तू कभी राजनीति मत करना बेटा, ये कह के कर सुबह से शाम कर देने वाले मेरे पिताजी हमेशा के लिए सो गए हैं सर। नहीं सर, नहीं सर, आपको और आपकी राजनीति को मेरा नमस्कार सर, नहीं करना, मुझे आम जिंदगी जीने दीजिए सर, प्लीज सर, प्लीज। बेटी, लड़के वालों ने आपके यहाँ रिश्ते से मना कर दिया है। बेटी आपका बेटा अरेस्ट हो गया, कृष्णमूर्ति जी नहीं रहे, ऐसे घर से वो लोग रिश्ता नहीं करना चाहते, वो लोग इस घर में नहीं आना चाहते थे, इसलिए सराय की थाली मेरे हाथों भेज दी। मैं चलता हूँ। नमस्ते कृष्णमूर्ति साहब। नमस्ते कृष्णमूर्ति, तुम्हारा बेटा लार कब बनेगा? बस एक साल में बन जाएगा। मुझसे बात करो माँ, तुम्हारा बात ना करना मैं सहन नहीं कर पा रहा। माँ माँ मेरी तरफ देखो माँ, तूने मुझे क्यों पैदा किया माँ? मैं इस घर में क्यों पैदा हुआ माँ? क्यों पैदा हुआ? आप सबको रुलाने के लिए पैदा हुआ माँ। मेरी वजह से पिताजी की मौत हुई है माँ। माँ मैं कभी ना हूँ माँ। माँ मुझे मारो माँ। माँ मारो मारो माँ मारो मारो मुझे मारो। तू कभी ना नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है तू कभी ना। नमस्ते जी। हाँ क्या बात है बोलो। ये कृष्णमूर्ति का बेटा है। हाँ, आपके साथ आया ना तभी पता चल गया। देखिए माँ जी, अंदर चलकर बात करें तो। तुम हमारे क्या लगते हो जो अंदर चलकर बात करें? हाँ देखिए, मेरी वजह से मेरी दीदी की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए, वो बेचारी बहुत अच्छी है। कहाँ से अच्छी है? सगाई करते ही तुम्हारा बाप मर गया और तू जेल चला गया, यही अच्छी है? अगर मेरा बेटा तेरी बहन से शादी कर लेता तो पता नहीं क्या क्या हो जाता। देखिए ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेहरबानी करके शादी को इससे मत जोड़िए। मतलब तुम रोज होकर पैर पकड़ लोगे तो मैं मान जाऊंगी, ऐसा समझा तुमने? पैर पकड़ने की मेरी आदत नहीं है। अच्छा तो क्या क्या कर लोगे तुम? हाँ
केवल शादी कराना जानते हैं या ज्योतिष भी कर लेते हैं? ज्योतिष भी करता हूँ बेटा। तो फिर लड़के की माँ की मर्डर की लकीरें इस हाथ में है कि नहीं, जरा देख कर तो बताइए। ऑलरेडी लोगों को मार चुका हूँ, जेल का खाना खा चुका हूँ। हिसाब में एक का मतलब एक ही होता है, एक मर्डर करो या 100 मर्डर करो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ये दोनों हाथ जोड़कर पूछ रहा हूँ, कल रात को 10 बजे हम लगन पत्रिका लिखवाने के लिए आ रहे हैं। वेंकटेश्वर मंदिर में शादी अगर नहीं हुई तो ये दोनों हाथ खुल जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? घर आए थे क्या? तू क्या उससे बात कर रही है? अगर इसकी बहन की शादी ना हुई तो ये मुझे मारने की धमकी दे रहा था। अगर ये शादी नहीं हुई तो मैं ही तुझे मार दूंगी। हा? ये तू क्या बोल रही है री? उस दिन सगाई में आते वक्त जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें हम सबको बचाने वाला यही इंसान है। अगर उस दिन ये नहीं होता, मेरे पति, मैं और ये बच्चा नहीं होता। इनसे हमारा संबंध जुड़ना ये हमारे लिए भगवान का वरदान है माँ। थैंक्स जी, आपका एहसान मैं इस जन्म में तो नहीं भूलूंगा। नागराजू, मेरी माँ माने चाहे नहीं माने, तुम्हारी बहन से मैं शादी करूंगा। तुम मार डालोगे इस डर से नहीं, क्योंकि तुम इंसान अच्छे हो। सोच रहे हो अपनी शादी के बारे में? तुमने देर कर दी तो बाद में मैं नहीं मिलूंगी। क्या कहा? मेरे जीजू मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, उसके बाद तुम्हारी मर्जी। इस बहती नाक से कौन शादी करने के लिए आता है? मैं भी देखता हूँ, अगर आया भी ना तो मेरे हाथ मारा जाएगा। क्या करोगे? असल में इस गेंडे से शादी करूँ तब ना। क्या कहा? तेरी तो अंदर नहीं आओगे क्या? जब तुम्हारे पिताजी शादी तय करेंगे तब आऊंगा। ये क्या है दीदी, सुबह सुबह क्या काम लेकर बैठी हो? हर रोज क्लीन करने का सोचती थी पर आज वक्त मिला। सुहासिनी, हाँ? तुम उस नागराजू के साथ क्यों घूम रही हो? बचपन में घोड़ा घोड़ा के खेल में पीठ पर घूमती थी, अब उसकी बाइक पर घूम रही हूँ। तुम अगर उसके साथ घूमोगे तो हमारी इज्जत का क्या होगा? उसमें इज्जत घटने वाला ऐसा क्या है? अब तुम शादी के लायक हो चुकी हो, उसके साथ घूमना बंद कर दो। ऐसा बोलने वाले तुम कौन होते हो? तुम्हारा जीजा हूँ, तुम्हारे लिए क्या सही क्या गलत मैं जानता हूँ। तुमसे दूसरी शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम मुझसे शादी करोगे? तुम्हारी बहन से शादी किए 10 साल हो गए लेकिन अब तक हमें संतान नहीं हुई और होगी भी नहीं, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। दूसरी शादी करने के लिए तुम्हारी बहन ने ही सलाह दी। करोड़ों रुपये कमा चुका हूँ, किसी और से शादी करने की क्या जरूरत है जब घर पे मेरी साली ही इतनी सुंदर बैठी है। आ, 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 इसके लिए तुम्हारी बहन भी राजी होगी। तुम्हारी दूसरी शादी के लिए तुम्हारी पत्नी राजी होगी लेकिन तुम्हारी पत्नी बनने के लिए मैं राजी नहीं हूँ। ना कहकर क्या कर लोगी? मैं लॉ पढ़ रही हूँ, तुम्हारी होशियारी मेरे पास नहीं चलेगी। तुम्हें बच्चों से इतना लगाव है तो किसी बच्चे को गोद ले लो। खबरदार, दूसरी शादी के बारे में सोचना भी नहीं। इसके लिए दीदी हाँ कह सकती है लेकिन मैं नहीं। बी केयरफुल।
अंकल कहाँ तक पहुँचा काम? आओ बेटा, तुमने अपनी दीदी की शादी करा के पिता की कमी को पूरा किया। तुम भी शादी करके अपनी जिम्मेदारी लोगे तो मुझे खुशी होगी। इतनी जल्दी नहीं करूँगा अंकल, अभी डिग्री पूरी करनी है। वैसे भी अभी तो ये छोटी है ना। मतलब मैं अभी छोटी हूँ इसलिए शादी नहीं करोगे? ठीक है, मैं किसी और से शादी कर लूंगी। कर लोगी? बोलो, बोलो। छोड़ो ना। ये क्या, ये शादी की कैसेट में ये सब दंगे? ओ, लगता है इसी कैसेट में रिकॉर्डिंग कर लूं। राजी, आप यहाँ से चले जाइए, चले जाइए। जगदीश कहाँ है? होम मिनिस्टर के घर गए हैं। वहाँ मैं जरूर जाऊँ सर। और सर मैं कहाँ रह सर? जगदीश, राजू के आने के पहले तुम जाओ यहाँ से। आओ राजू, आओ आओ आओ। सुना है सीएम तुम्हारी राजनीति को प्रणाम कहके चले गए? तुम उगने वाले सूरज हो यार, अगर तुम डूब गए तो राजनीति को ग्रहण लग जाएगा। वो अपने पिताजी की मौत के गम में है सर। अरे मैं तो भूल ही गया था, हम सब तुम्हारे पिता की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट मौन रखते हैं। जगदीश कहाँ है? क्यों? मेरे पिताजी को मारा है उसने। प्रूफ क्या है? मेरे पिताजी को जिस तरह मार दिया गया उसी तरह उसे मारकर प्रूफ लेकर आऊंगा मैं। ए, क्या रहे, उन्हें धमकी दे रहा है? ऐसे कायर लीडर की छत्र छाया में जाकर स्टूडेंट्स की इज्जत खराब करने वाले तू तो कुछ बोल ही मत। ऊंची आवाज में बात की ना तो माँ का दूध याद दिला दूंगा तुझे। तुम एक होम मिनिस्टर से बात कर रहे हो? सिक्योरिटी के बिना 1 सेंटीमीटर भी तो हिल नहीं सकता तू। तू क्या चाहेगा रे? मैं उसे मारने का फैसला करके आया हूँ, तू अगर बीच में आया तो तू भी नहीं बचेगा। अरे जगदीश, you
नमस्ते सर। नमस्ते सर, हमारा फ्रेंड नागराज दिखाई नहीं दे रहा है, पुलिस ने अरेस्ट किया पता चला, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। नागराजू? जी सर, स्टूडेंट यूनियन लीडर नागराजू। उससे तो हमने अरेस्ट नहीं किया। नहीं सर, आप झूठ बोल रहे हैं। ए, अंदर जाओगे क्या? हाँ सर, जाएंगे। ए, बहस मत कर, हम जाते हैं सर। पता चला गया? नहीं यार, पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे तो पुलिस पर ही शक हो रहा है, उन्होंने कुछ किया होगा। आप आइए माजी। सर, यही नागराजू की माँ है। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। सर, एक हफ्ते से मेरा बेटा दिखाई नहीं दे रहा है, पता चला पुलिस लेकर गई। पुलिस स्टेशन में पूछा तो वो कहते हैं उन्हें पता नहीं। तो क्या हो गया सोचकर हमें डर लग रहा है सर। वो एक ही हमारी आस है, उसके पिताजी भी गुजर चुके हैं। आपके प्रति उसके मन में बहुत सम्मान है, आपके लिए वो कुछ भी कर सकता है। आप अनशन कर रहे हैं कहकर उसने 3 दिन खाना नहीं खाया सर। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी सर, बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। सीएम साहब, हमारे भाई को हमें लौटा दीजिए, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। चिंता मत करिए बहन, आज नागराजू की कोर्ट में हाजिरी है। वो चाहे जहाँ भी हो, उसे ढूंढ कर लाने के लिए बोलूंगा। तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा, आप डरिए मत, मैं वादा करता हूँ। सूर्य जयवर नागराजो, सूर्य जयवर नागराजो, सूर्य जयवर नागराजो। जो जान माल का नुकसान हुआ उसकी वजह आप ही हो, ऐसा नागराजू ने कोर्ट के समक्ष बयान दिया है। इतना ही नहीं, बेल देकर आपने उसे रिहा करवाया, फिर भी वो कोर्ट में हाजिरी देने नहीं आया। उसका क्या हुआ पता नहीं, इसीलिए आपने ही उसे कुछ किया है, ऐसा हमारे वकील का कहना है। उसके बदले में आपका जवाब क्या है? अरे सीएम क्या जवाब देगा, उसे तो इस्तीफा देना ही होगा। सीएम, 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 अदालत बर्खास्त की जाती है। सीएम, आज शासन सभा के प्रतिपक्ष के नेता सीएम पर नाराज हो गए। विद्यार्थियों के नेता नागराजू कोर्ट में हाजिरी ना देने का कारण मुख्यमंत्री चंद्रशेखर नायडू हैं, इसलिए उन्हें इस्तीफा देने की डिमांड भी उन्होंने की। स्पीकर ने सभा को 3 बार रद्द भी किया है। प्रतिपक्ष के नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना ही होगा, इसलिए ओडीएम के सामने प्रस्ताव रखा है। आपका इस्तीफा देना काफी दुखदायक बात है। एनीवेज, जब तक नए मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं हो जाता तब तक आपात मुख्यमंत्री पद संभालने का मैं निवेदन करता हूँ। ठीक है सर। नमस्ते जी। नमस्ते जी, बैठिए। हमारे पार्टी के नेता इस्तीफा दे रहे हैं, ये तो आप जानते हैं जी। असेंबली को रद्द करके चुनाव करने की नौबत ना आए, ऐसा बंदोबस्त करता हूं। ये लीजिए मेरे सपोर्टर्स की लिस्ट। मैं और मेरे पार्टी के 19 एमएलएस का सपोर्ट इनके लिए फ्री है, ये लीजिए। सपोर्ट को कभी फ्री नहीं बल्कि बेशर्त कहना चाहिए। सिर्फ ऐसी लिस्ट देना काफी नहीं है, सरकार बनने के लिए कम से कम 148 एमएलए की जरूरत होती है, ये तो आप जानते ही हैं। बस ये शर्त आप पूरी कर दीजिए। ठीक है सर, अब इसी काम पर लग जाते हैं। हेलो, कैसे हो बेटी? अच्छी हूँ पिताजी, क्या हुआ आवाज बदल गई है, सर्दी हुई है क्या? हाँ बेटी, माँ टीवी पे एक सीरियल स्टार्ट हो रहा है, उस सीरियल के एक सिचुएशन के लिए मुझे चुना गया है, इसके लिए मैं तुमसे एक सलाह लेना चाहता हूँ। क्या सिचुएशन है पिताजी? उसमें पिता और बेटी की कहानी है, बेटी का पति पिता के जिगरी दोस्त की हत्या कर देता है, वो बात पिता को पता चलती है, ये बात कानून को बताना चाहिए या नहीं? क्या पिताजी, हत्या के बारे में तो बताना ही चाहिए। बताएगा तो बेटी का सुहाग उजड़ जाएगा ना बेटी? गलत है पिताजी, बेटी की सुहाग के बारे में सोचेंगे तो एक हत्यारा बच जाएगा ना, उसमें उसने हत्या की उसके पिता के जिगरी दोस्त की। को
खून के रिश्ते से बड़ा दोस्ती का रिश्ता होता है पिताजी। उसे कानून के हवाले करना ही सही होगा। थैंक्स बेटी, अच्छी सलाह दी तुमने। ऐसे क्या देख रही है? मुझे भी लगा। ये सब क्या है बेटी? सुहासिनी को मेरे पति के साथ शादी के लिए मांगने आई हूँ पिताजी। कोई भी पत्नी अपने पति की दूसरी शादी बर्दाश्त नहीं करती, फिर भी अपनी बहन का रिश्ता मांगने आई हूँ। दीदी तुम पागल हो गई हो क्या? तुम प्यार से मांगो या हाथ जोड़कर मांगो, ऐसा हरगिज नहीं होगा। मेरे मरने के बाद भी शादी के लिए इनकार करोगी तुम? दीदी तुम अपने पति के बारे में नहीं जानती हो, वो एक हत्यारा है। सुहासिनी आगे कुछ मत कहना। तुझे पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन इतनी सी बात के लिए अपने जीजा को हत्यारा कहती है? बहन के अधिकार से तुम मार सकती हो, लेकिन एक हत्यारे के पत्नी के अधिकार से नहीं। ये सच मुख्यमंत्री जी को बताकर सबूत देने के लिए ही निकल रहा था, तभी तुम आ गई। सीरियल में बेटी के सुहाग के बारे में सोचने वाला अभागा पिता मैं ही हूँ। अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो खुद आकर अपनी आंखों से देख लो। देखा ना ससुर जी, ससुर जी, लक्ष्मी का मेरे साथ ब्याह करते वक्त आपने मेरे पैर पूजे थे, अब मैं अपने आंसुओं से आपके पैर धोता हूँ। वो कैसेट मुझे दे दीजिए। नहीं दूंगा। सॉरी ससुर जी। ससुर जी, भगवान ने मुझे इसलिए पैदा किया कि आपकी दोनों बेटियों से मैं शादी कर लूँ, इसलिए नहीं कि मैं खुद फांसी पर चढ़ूँ। प्लीज वो कैसेट मुझे दे दीजिए। प्लीज प्लीज दे दीजिए, दे दीजिए। नहीं, कैसेट दे दीजिए। प्लीज वो कैसेट मुझे दे दीजिए। बाप रे, ससुर जी मर गए, अब ये दूसरा खून हो गया। मेरे हाथों दो खून हो गए। अगर तुम दोनों ने कुछ बताया तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। आई विल किल यू, आई विल किल यू, आई विल किल यू। अब हमें नागराजू की कोई जरूरत नहीं, उसे मार दो। चाहिए तो उसकी लाश का हम इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है सर। देखते क्या हो रही है, मार दो।
सर, नागा कैसा है? आईसीयू में है सर। सर, सूर्या है सर। नागा का पूरा ख्याल रखना। यस सर। परसों उसे कोर्ट में पेश करना है। सर, ये सीएम का ऑर्डर है। ओके सर। यस सर। किसी भी हाल में नागराजू को जनरल से मिलने मत देना। ओके सर। वो हमारी कस्टडी में ही रहना चाहिए। ओके सर। अगर भागने की कोशिश कर दो सीधे शूट कर दो। समझ गया सर। नागा भाग गया सर। तुम सब एक काम करो। हाँ सर। जाके नदी में डूब मरो। ठीक है सर। सर, इडियट। थैंक यू सर। सारी सिटी को अलर्ट कर दो। ठीक है सर। बी केयरफुल। कहाँ चला गया था तू? हमें लगा उन लोगों ने तुझे मार डाला है। मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा रे। माँ और बहन कैसी हैं? अच्छे हैं रे, लेकिन सुहासिनी के पापा को उस जगदीश से मार डाला है। ए, हम लोगों से गलती हो गई है रे। सीएम साहब के आमरण अनशन को डिस्टर्ब करने के लिए मेरे पिताजी को मारा। हमें एक काम करना होगा। उन्होंने मेरे नाम की FIR दर्ज नहीं करवाई होगी, लेकिन मुझे देखते ही डेफिनेटली वो गोली मार देंगे। ए, पहले मुझे अग्रिम जमानत लेनी पड़ेगी, इसके लिए तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ यार। ठीक है, बताओ भाई, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हाँ यार। सारी सिटी को अलर्ट कर दो, सारी जगह फैल जाओ। किसी भी भेज में आए हमें उसे पकड़ना है, नजर खुली रखना। Catch him! Come on!
चलो यार। थैंक यू सर। सारे एमएलए होम मिनिस्टर की तरफ हो गए सर। इतने दिनों से कहां थे तुम? मुझे माफ कर दीजिए सर, मेरी जल्दबाजी के कारण आपकी कुर्सी चली गई। इसे करेक्ट करने के लिए जो कुछ भी हुआ है जज को बता दूंगा। मैं कुर्सी के लिए तड़पने वाला नहीं हूं नागा। ये राजनीति एक बैकुंठ लोक है। मैं सांप के मुंह में जा चुका हूं और वो सीढ़ी भी चढ़ चुका हूं। मुख्यमंत्री के लिए जो 150 एमएलए चाहिए उन्हें अपोजिट पार्टी ने खरीद लिया। खरीद लिया? लेकिन मुख्यमंत्री तो आप हो सर। हाँ हूँ, वो भी सिर्फ आपातकालीन मुख्यमंत्री हूँ। सारी पुलिस और ऑफिसर्स उसके घर के आगे पहरा लगाकर बैठे हैं। दिन रात आपकी पूजा करने वाले एमएलए उनको कैसे सपोर्ट देंगे सर? बिक चुके हैं। तुम मार्केट जाओगे तो 1 किलो बैगन का दाम एक सीजन तक उतना ही रहता है, लेकिन यहाँ इनका दाम टिकाऊ नहीं होता सर। वो इसलिए क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं अच्छे के लिए अच्छा और बुरे के लिए बुरा इंसान हूँ। मैं कुछ भी शुरू नहीं करता और शुरू कर दिया तो उसे पूरा करके ही छोड़ता हूँ। सर एक बार मुझे मौका देकर तो देखिए, सारे एमएलएस को आपके सपोर्ट के लिए गवर्नर के सामने ना खड़ा कर दिया तो कहना। तुम जवान हो, तुम्हारा गुस्सा तुमसे ऐसा कर। गुस्से में आकर बोलने वाली बात नहीं है सर, आज का हर स्टूडेंट आपके साथ खड़ा है, आपके लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार है सर। परिवार के लिए मरने से, जात के लिए मरने से और अपने आप के लिए मरने से राष्ट्र के लिए मरना कहीं बेहतर होगा सर। जगदीश यूथ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मैं आ गया हूं ना। नागा, मेरे जीजा जी ने मेरे डैडी को मार दिया, हमें यहाँ से जल्दी ले चलो, नहीं तो मेरे पति जबरदस्ती सुहासिनी से शादी कर लेंगे। पर इस वक्त वो कहाँ है? होम मिनिस्टर से मिलकर सारे एमएलए को खरीदने का काम कर रहे हैं। इससे पहले हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मेरे पति की धोखे से कमाई हुई सारी कमाई बैंक में मेरे नाम पर ही है। तो कमल मेरे साथ चलिए। रुक जाओ, इन्हें कहाँ लेकर जा रहे हो? सीक्रेट मैरिज है, यहाँ होगी तो बवाल होगा, इसलिए होम मिनिस्टर क्या होगी। जगदीश जी, तो हमारे लिए दावत? यहाँ तो नॉन वेज, वहाँ वेज है। तो हमारा पीना? अरे पहले जाने देना, हट जाओ। हेलो, सब कहाँ मर गए थे? इतनी देर से फोन नहीं उठाया। मालकिन कहाँ है? वो तो आपके पास गई है ना सर। मेरे पास? उसकी हिफाजत करने बोला तो मेरे पास आइए बोल रहे तू? जगदीश युद्ध के नाम से आपने ही तो बहुत सारे लड़कों को यहाँ भेजा है सर। जगदीश युद्ध कहाँ लेकर गए उसे? होम मिनिस्टर के घर। होम मिनिस्टर के घर? क्या बात है, तुम्हारे चेहरे की रौनक क्यों बदल गई? वो नागा मेरे घर पे आकर मेरी पत्नी और साली को लेकर गया। एमएलए को खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए वो मेरी बीवी के नाम से बैंक के लॉकर में रखा है। गोविंदा, बिना उस तरह के टकला कर दिया। चुप कर, पहले तुम बैंक में फोन करो। हेलो, मैं जगदीश बोल रहा हूँ। नमस्ते सर।
एक घंटे में मैं अपनी मिसेस को लेकर आऊंगा, आप रहोगे ना? वो तो अभी आकर गई सर। अभी आकर गई? हाँ सर, वो किसी लड़के के साथ आई थी। किसी लड़के के साथ आई थी? ओके ओके। धनलक्ष्मी आउट। हेलो, मैं जगदीश बोल रहा हूँ, अगर मेरी मिसेस वहाँ आए तो उसे वेट करने को कहना। अभी आपकी मिसेस आकर सारे रुपये लेकर गई सर। आंध्रा बैंक, मैं जगदीश बात कर रहा हूँ, जरा मैनेजर को फोन दीजिए। नमस्ते। कुछ नहीं सर, मेरी बीबी वहाँ आई तो बैंक लॉकर खोलने में देना, मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ। ये क्या बोल रहे हो, उनका लॉकर उन्हें खोलने से ही रोकना? राजनीति माने भी लेकिन राजयंग नहीं मानेगा। हाँ, उसने ऑलरेडी ओपन कर दी। आखिरी लॉकर भी आउट। भैया, अब आपका अगला कदम क्या होगा? जम काशी भाई, आपको राजनीति का अनुभव है, ऐसी हालत में अच्छी सलाह दीजिए। वेरी सिंपल, तेरे पास पैसा नहीं है ये बात उन्हें पता चलने से पहले सबको ले जाकर छुपा दे, फिर प्रमाण स्वीकार करने के दिन उन सबको आजाद कर देना। थैंक्स, बहुत सलाह दी है आपने। जगदीश चलो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। भैया काशी जी, अभी जम बोले थे और सलाह दे दिया। बेटे, मुझ जैसे राजकीय नेता को दीछी कहते हैं। दीवार पर चिपके चिपका ली। अगर उस नागा ने सारे एमएलए को खरीद लिया तो उधर जम हो जाऊंगा, और अगर कहीं होम मिनिस्टर ने उन सब एमएलए को पकड़ लिया तो इधर जम। इसे ही कम अनुभव कहते हैं, इसे जंप नहीं कैम कहते हैं। महाप्रभु, एक बार अपने चरण दिखाइए। गलती से भी अपने पैर खींचने का मौका मैं किसी को नहीं देता हूँ। बैंड बजाना। फुल। हेलो, मैं राजकीय नेता काशीराम बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? नागा। क्या बेटा, कैसे हो? अपने सीएम को फिर से सीएम बनाने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरी मदद? ओ, तुम तो चॉकलेट मांगने की तरह पूछ रहे हो, मुझे समझ क्या रहे हो तुम? मैंने उंगली उठाई तो पूरे स्टेट की राजनीति लट्टू की तरह घूम जाती है। हो सकती है, लेकिन आपकी पॉलिसी तो फ्री है ना? सपोर्ट तो फ्री में नहीं हो सकता ना। तुम्हारे यहाँ के 32 एमएलए होम मिनिस्टर को सपोर्ट नहीं करने चाहिए, बताओ कितने चाहिए? अभी एमएलए को 50 लाख के हिसाब से 16 करोड़, मैं मेन लीडर हूँ इसलिए 1 करोड़, टोटल 17 करोड़। ठीक है दूंगा, लेकिन अगर जुबान से फिरे ना तो गर्दन पर सिर सलामत नहीं बचेगा। डेफिनेटली तुझे ही सपोर्ट करूंगा, रखता हूँ। क्या भैया, माइक मिलते ही उसे केक की तरह खा जाते हो, तो फिर इस बच्चे के हाथ ऐसे कैसे बिक गए? अरे बच्चा है तो क्या हुआ, अगर मोटी रकम देता है तो बिक जाने में क्या हर्ज है। ओ ए, रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो? अरे वहाँ स्टूडेंट बस भर के आ रहे हैं, इसलिए भाग रहे हैं। ए, ए, चलो,
डरिए मत, हम आपसे लड़ने नहीं आए, मिलने आए हैं। हम एमएलएस पे हमला किया, ये सब हम असेंबली में बोलेंगे। हम लोग तुम लोगों को असेंबली में पहुंचने देंगे तब ना। ए, तो क्या कर लोगे? हम क्या करेंगे ये तुम्हारे डिसीजन पर निर्भर करता है। शर्म नहीं आती बिकते हुए? दहेज लेते वक्त तुम लोगों को भी तो शर्म नहीं आती? चाचा जी की हिस्ट्री बहुत ही तेज है। वोटर हमें फ्री में जिताते हैं क्या? वोट पे नोट मांगते हैं, नोट और साड़ियां मांगती हैं। मजहब वाले मंदिर मस्जिद बनाने कहते हैं। और एमएलए जीतने के लिए मिनिमम करोड़ रुपया चाहिए, वो कौन देगा बोलो? मैं दूंगा। तुम्हें ये पैसा ही चाहिए ना? मैं दूंगा। ए, निकाल ले थैली, ये ले, ले रे। इन कागजों को इंसान ने जिंदगी बेहतर बनाने के लिए बनाया। इन कागजों के लिए एक बहन इज्जत लुटा लेती है, एक डॉक्टर पेशे को बेच देता है, एक लॉयर सच को बेच देता है, एक राजनीतिक नेता तो मन के सम्मान तक को बेच देता है। क्रिकेट के खेल में मैच फिक्सिंग हुई तो पूरी दुनिया हैरान हो गई, लेकिन तुम जितने भी नेताओं को फिक्स कर लो, मुख्यमंत्रियों को फिक्स कर लो, कोई हैरान नहीं होता। वो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। जैसे अग्नि को साक्षी मानकर अपने साथी के साथ बेवफाई गलत है, उसी तरह पार्टी की शपथ लेने के बाद पार्टी के उसूलों को छोड़कर पैसे के लिए दूसरी पार्टी में शामिल हो जाना भी उतना ही गलत है। इस देश में मर्डर के लिए सजा है, रेप के लिए भी सजा है, लेकिन पार्टी बदलने के लिए कोई सजा नहीं है। अगर उनसे पूछो ऐसा क्यों किया तो कहते हैं मतभेदों के कारण पार्टी से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि पैसा नहीं दिया इसलिए बाहर आ गए हैं। ए, तेरी वजह से ही मैं राजनीति में आया था। अपने पिताजी को खो चुका हूं, लेकिन तेरी तरह झूठे खाने के पीछे नहीं पड़ा। थू, तेरी भी क्या जिंदगी है। ए, सब लोग अच्छी तरह सुन लो, चाहे तुम लोग पैसे लेकर बनाओ या बिना पैसे लिए बनाओ, लेकिन हमारे पुराने मुख्यमंत्री को फिर से सीएम बनाना पड़ेगा। धोखा किया ना तो बिना बम रखे ही तुम सब लोगों को उड़ा दूंगा, और भागने की कोशिश की तो साथ में विद्यार्थी सैनिक है, याद रखना। सर, वो नागा आया था और सारे मिलिट्स को लेकर चला गया। सर, बस में एक भी एमएलए नहीं है, सब स्टूडेंट्स ही है। उस नागा ने हमें धोखा दिया है। भाई, भाई एमएलए नहीं है। ए, सारे एमएलए भाग गए। एक भी एमएलए दिखाई नहीं दे रहा है। ये बात तो तुमने सही कही। मिले क्या नागा? यहाँ नहीं है, अभी नहीं है, अभी नहीं है नागा। Thank you.
कुछ नहीं कर सकता। बता कहाँ रखा है बम? बताओ कहाँ रखा है? नहीं बताएगा तो मार दूंगा। बता कहाँ है? क्यों बेबी, सामान अंदर रख के कहाँ भाग रही हो? शहर बदलने से पाप पीछा नहीं छोड़ते मैडम जी। तू जहाँ कदम रखती गवर्नमेंट गिर जाती है। बैंड बजा दिया ना बराबर से? आराम से। के चंद्रशेखर नायडू नाम का मैं। कोर्ट की सम्मति से, भारत राज्यांग से निर्वाचित होकर, भरोसे से, विश्वास से, हमेशा जनता की सेवा। हाथ की रेखा थोड़ी टेढ़ी हो गई यार। कैसी होनी चाहिए? अबे मुझे वहाँ पर होना चाहिए था आज। भैया, इस मंत्री के शपथ ग्रहण में आप क्यों आए समझ में नहीं आ रहा? भगवान हर इंसान को एक ही चेहरा देता है ना? करेक्ट है, लेकिन मुझ जैसे राजकीय नेता को दो चेहरे देते हैं। किस लिए सर? एक चेहरा गिराने के लिए और दूसरा खड़ा करने के लिए। जीवन सेवा करता रहूंगा, भगवान को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ। अब मैं दोबारा मुख्यमंत्री बना हूँ
उसका मुख्य कारण है नागराजू। इसलिए अपने मंत्रिमंडल में उसे मुख्य स्थान देने की घोषणा करता हूँ। आई रिक्वेस्ट टू मिस्टर नागा कम टू द स्टेज। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे माफ कर दीजिए, आपने विद्यार्थियों से जो अपेक्षा की थी वो जिम्मेदारी हमने पूरी की। अब मैं पिताजी की इच्छा के अनुसार लॉयर बनूंगा। राजनीति की मेरी उम्र नहीं है, इसके लिए अनुभव चाहिए। मुझसे भी कई बड़े बड़े लोग हैं, मेरा मानना है कि उन लोगों को मौका मिलना चाहिए। मैं राजनीतिज्ञों से एक अनुरोध करना चाहता हूँ, वादा करने की आप लोगों की आदत है, लेकिन जनता से ऐसे वादे मत कीजिए जो निभाए ना जा सकते हो। भरोसे वाले वादे कीजिए, और वादा करने से पहले ये याद रखिए कि आप प्रदेश की 7 करोड़ जनता के प्रतिनिधि हैं। हाथ उठाकर जय जयकार करने वाली जनता को झूठे वादों की जरूरत नहीं होती, उनके वर्तमान और भविष्य को लेकर आप लोगों को सच्चे और ठोस कदम उठाने पड़ेंगे।